आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में है कि C16H14 जो है इसका कौन सा आइसोमर है जिसमें आपके दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमें ऑप्शंस गिवन है, सबसे पहले हम इन ऑप्शंस के स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन देखते हैं किसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? ये होता है आपका CH, CH3, CH3। ये जो आपका ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका आइसो प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अब पहले जो आपके ऑप्शंस गिवन है इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा किसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले गिवन है 2-methyl pentane, मतलब आपका 5 कार्बन की चेन है, 1, 2, 3, 4, 5। अब सेकेंड कार्बन पे बोल रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो गया यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप। बाकी जो कार्बन है इनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। इस कंपाउंड में एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, बट हमें वो देखने हैं जिसमें दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप हों, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है। देन जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो कह रहे हैं 3-methyl pentane, मतलब कि जो आपका सेंट्रल कार्बन है यहाँ पे उस पर क्या प्रेजेंट है, आपका एक मिथाइल ग्रुप इस टाइप से, CH3, CH2, CH3। इसमें तो ये जो आपका कंपाउंड है इसमें एक भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, राइट। CH, CH3, CH3 टाइप का कोई भी ग्रुप नहीं है आपका, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। देन नेक्स्ट में कह रहे हैं 2-3-dimethylbutane, मतलब 4 कार्बन की चेन है आपकी, 1, 2, 3, 4। सेकेंड और थर्ड पे मिथाइल है, तो एक मिथाइल आपका यहाँ पे है और एक मिथाइल यहाँ पे, तो ये आपके क्या हो गए, CH3 ग्रुप। अब देखिए एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो आपका ये हो गया, ये वाला क्या है आपका एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, एंड दूसरा आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये हो गया। तो ये जो आपका कंपाउंड है 2-2-dimethylbutane, इसमें आपके दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब एक बार जो लास्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ, वो भी देख लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है आपका 2-2-dimethylbutane, तो ये हो गए आपके 4 कार्बन, ओके। देन कह रहे हैं जो आपका सेकेंड कार्बन है उस पर 2-methyl ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन, फर्स्ट एंड सेकेंड इस पर आपके 2-methyl ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपकी जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगी जब हम इसमें हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट कर देंगे, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। इस कंपाउंड में आपका एक भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इसमें ये जो साइड वाला जो ग्रुप है आपका ये कैसा है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बट आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।